अर्ज किया कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान ने दौरे जिम्बाब्वे के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया, जिनमें मोहम्मद हफीज, तौफीक उमर, इमरान फरद, अजहर अली, यूनस खान, मिसबाहुल हक, असद शफीक, उमर अकमल, रमीज राजा जूनियर, अदनान अकमल, सईद अजमल, यासिर शाह, सोहेल तनवीर, सोहेल खान, जुनेद खान और एजाज चीमा शामिल है। मोहसिन खान का कहना था कि नौजवान खिलाड़ियों को सिर्फ शामिल ही नहीं किया गया बल्कि कोच और कप्तान से इन्हें मैच खिलाने की सिफारिश भी की गई है। इंजरी कह के नहीं आती, एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी किसी वक्त भी आ सकती है, लेकिन आज की हालत में जब 16 लड़के अनाउंस किए हैं उसमें ये 16 के 16 लड़के और 6 जो स्टैंड बाइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल फिट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा सवाल इमरान फरद की शमूलियत पर किए गए, जबकि शुएब अली को बतौर स्टैंड बाई खिलाड़ी शामिल करने पर मोहसिन खान का कहना था कि इनकी जगह तो बनती है लेकिन इंटेग्रिटी कमेटी से साबिक कप्तान की क्लियरेंस होना अभी बाकी है। इंटेग्रिटी कमेटी पे प्रेशर आने की क्या जरूरत है, अगर एक चीज में इंटेग्रिटी में कोई क्लियर है इज क्लियर, इफ समबडी इज नॉट क्लियर इज नॉट क्लियर। मोहसिन खान का कहना था कि टीम कप्तान और कोच की मुशावरत से बनाई गई और जिम्बाब्वे के खिलाफ इनसे अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। कैमरामैन असगर अली के साथ स्नाउल्ला खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर।